पटना के लॉ कॉलेज में परिसर में लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्र के सामने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई और वहां के लोगों से उस परिस्थिति में भी वीडियो बनाने के अलावा और कुछ ना हो सका। ये उस राज्य के युवा हैं जो कल को लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों को आवाज उठाना सिखाएंगे। उस परिषद में उस वक्त इतने पत्थर तो जरूर थे कि अगर हाथों हाथ चल जाते तो हर्ष की जान बच जाती, लेकिन क्रांतिकारी हाथों ने 15 मिनट से पिट रहे हर्ष राज के लिए पत्थर के बदले मोबाइल उठाना ज्यादा जरूरी समझ लिया। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। वैशाली जिले के लालगंज मझौली गांव निवासी अजीत कुमार के इकलौते बेटे हर्ष राज की हत्या पर अब सियासत हो रही है। हर्ष के पिता ने जहां सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं एक आरोपी चंदन की गिरफ्तारी के बाद हर्ष के चाचा ने कहा है कि मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। हर्ष समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार सामवी चौधरी के मुंहबोले भाई कहे जा रहे थे। चुनाव के समय दिन रात हर्ष ने उनके लिए मेहनत की थी। विगत मंगलवार को लालगंज में जब हर्ष की मौत के बाद इंसाफ की मांग के लिए कैंडल मार्च निकाला गया तो उसमें खुद सामवी चौधरी भी शामिल हुई थी। उन्होंने इस हत्या को राजनीतिक हत्या का नाम दिया है। प्रशासन उस टाइम पे कहाँ थी, जहाँ हमें पता चला कि उनको आने में जितना समय लगा उतने समय में कोई भी कॉलेज कैंपस में भी कोई एक्शन नहीं लगा। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स उनके अगल बगल थे वो वीडियो बना सकते थे, पर वो समय उसको बचाने के लिए भी जा सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सब पे है, समाज पे भी है और जो मैनेजमेंट है उस पर भी। हर्ष की कमी कितना मायने रखेगा? बहुत ज़्यादा। हम कल ही बोल रहे थे कि अब जीतने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हर्ष, लेकिन लगता है कि उसके पॉपुलैरिटी से ऐसा कुछ घटना हुआ है। अब सवाल ये है कि जब देश चुनावों के बीच है, आचार संहिता लागू है, प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, ऐसे में जब चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, फिर भी कैसे कोई एक निहत्थे युवक को बीच कैंपस में 15 मिनट तक बुरी तरह से पीट सकता है? और तो और, मारने के बाद अपराधी आराम से वहां से भाग निकलते हैं और प्रशासन की तरफ से कोशिश तक नहीं की जाती है। हर्ष सामवी चौधरी के करीबी थे। लोजपा के चुनाव प्रचार के लिए हर्ष ने समस्तीपुर में जान झोंक दी थी। क्या हर्ष को इस बात की सजा मिली? हर्ष पटना यूनिवर्सिटी में 5 टॉप छात्र नेताओं में से एक कहे जाते थे। लोकसभा 2024 और विधानसभा 2025 के चुनाव के बीच छात्र संघ का भी चुनाव होना था और छात्र संघ का चुनाव विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर्ष इसमें सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे। क्या हर्ष को इस बात की सजा मिली या फिर पुलिस के अनुसार 8 महीने पहले डांडिया नाइट के कार्यक्रम के दौरान जैक्सन और पटेल छात्रावास के छात्रों के साथ हुए विवाद की सजा हर्ष को दी गई है, ये कहा नहीं जा सकता। पुलिस डांडिया नाइट के विवाद का हवाला दे रही है, सांभवी चौधरी इसे राजनीतिक हत्या बता रही है, तो हर्ष के चाचा ट्वीट करके इस कहानी को एक नया ही रंग दे रहे हैं, एक नई ही कहानी बता रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के लोकसभा क्षेत्र सारण में हुए जातीय हिंसा के बाद यह दूसरी घटना है जो पटना में हुई है जो जातीय रंग ले रही है। सोशल मीडिया पर इसके कई प्रतिरूप देखे गए हैं। हॉस्टलों पर बाद में आक्रामक छात्रों ने हमला भी किया है, हॉस्टलों को खाली करवाया जा रहा है। छपरा में जातीय हिंसा में चंदन यादव की हत्या के बाद हर्ष राज की हत्या को भी उसी उन्मादी प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। हर्ष राज और चंदन यादव दोनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। सवाल यह भी है कि जंगल राज से बमुश्किल बाहर निकले बिहार में अब और कितनी पहुंच होनी चाहिए कि जान बची रहे? हर्ष कभी विकास वैभव के साथ नजर आते हैं तो कभी नित्यानंद राय के साथ नजर आए, कभी चिराग पासवान के साथ तो कभी जदयू के मंत्री अशोक चौधरी के साथ वो नजर आते हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग के सख्त प्रशासन के बीच पटना के लॉ कॉलेज के बीच कैंपस में लॉ एंड ऑर्डर को 15 मिनटों में जमींदोज कर दिया गया और सब देखते रह गए। सारण में हिंसा के बाद वैशाली में बीजेपी के बूथ एजेंट पर भी जानलेवा हमला हुआ है। हर्ष राज की हत्या हुई है, तेजस्वी यादव हर मंच से फरिया लेने की बात कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी का आक्रामक बयान सबने सुना है, तो क्या ऐसे बयानों से मनोबल नहीं बढ़ता सड़क पर सरकार के सह पर हिंसा करने वालों का? क्या ऐसे बयानों से बिहार में विवाद की स्थिति नहीं पनपेगी? क्या चुनाव के बाद जातीय हिंसा का एक नया रूप देखने को मिल सकता है? क्या यह संकेत है कि जंगल राज फिर से आने वाला है? क्या यह संकेत है कि जातीय उन्माद फैलाकर राजनीति साधी जाएगी फिर एक बार बिहार में? हिंसा रुकेगी या 4 जून के बाद बिहार में एक नया समीकरण देखने को मिलेगा? ये वाकई एक चिंताजनक सवाल है।
बहरहाल मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। हर्षराज के विषय में और भी अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। फिलहाल छापेमारी चल रही है, राज्यपाल ने इस पर एक्शन लिया है, हॉस्टल को खाली कराने का निर्णय लिया गया है और अब जो आरोपी है उनके ऊपर होस्ट बुलडोजर चलाने की और उनके कुर्की जब्ती का भी ऐलान कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। फिलहाल आगे हम आपको और भी खबरें जैसे ही आती है हर्ष के विषय में जरूर बताएंगे। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि हर्षराज की जो हत्या हुई है वो पॉलिटिकल हत्या है, क्या छात्र संघ का चुनाव बिहार के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके पीछे इस पहलू को भी देखा जाना चाहिए, या फिर दांडिया नायक का विवाद ही हर्ष की हत्या के पीछे का कारण है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया हम जरूर जानना चाहेंगे। मैं प्रकाश चंद्र, आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।